सो फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर हो गई है फ्रेंच फ्राइज़ मेरी फेवरेट है गाइस। ऑल राइट सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज़ मेरा नाम है दीपांशु और मैं स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जॉब स्टेटिस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं तो इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है क्योंकि हम जानेंगे इसमें कि आपकी एवरेज सैलरी कितनी हो सकती है आफ्टर ग्रेजुएशन कौन सी जॉब्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है यहाँ पर कौन सी जॉब्स में आपको हायर पे मिल सकता है और इसी वीडियो से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि यार किस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है इटली में तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को इस इसी के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था और एक वेबसाइट मिली मुझे उस वेबसाइट के जरिए ही मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर और ये जितनी भी सैलरीज मैं बताऊँगा सारी एवरेज सैलरीज होगी और प्रोफेशनल जॉब्स को ही कंसिडर करने वाला हूँ आज मैं Uh, जैसे अगर मैं बात करूं कि यार यहां पर एवरेज सैलरी कितनी हो सकती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा इटली में स्टार्टिंग सैलरी होती है आपकी 920 ट्वेंटी से स्टार्ट हो जाती है और 16,400 थाउजेंड पर मंथ तक रहती है तो वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट जॉब पोजिशन पर तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट स्टार्ट विथ अर लैपटॉप स्क्रीन सो सोगैस इटली में ग्रॉस एवरेज सैलरी फिफ्टी वन है और ये ग्रॉस एवरेज है इसमें हमें जो नेट इन हैंड सैलरी वो रहेगी आपकी नियरली थर्टी थ्री थाउजेंड यूरो के आसपास अब ऐसा क्यों क्योंकि इटली में गाइस प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स है तो जो इनकम टैक्स हमें पे करना रहता है वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो कि डिफरेंट सैलरी स्लैब्स के लिए डिफरेंट टैक्सेस होते हैं तो लेट सपोज थर्टी है तो थर्टी के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बताया कि थर्टी सैलरी पर ईयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर आफ्टर ग्रेजुएशन तो ये जो मैंने सैलरी बताई ये टेक होम अर्निंग रहती है और बेसिकली इस वेबसाइट में बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स को कवर किया गया है इसीलिए मैं इसके बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ तो सबसे पहले तो हम आ, बात करते हैं जेंडर की तो आ, जेंडर की बात करें तो आपको बता दूं कि यहाँ पर इटली में फीमेल्स का रेशियो ज़्यादा है यहाँ पर मैन और फीमेल का रेशियो नाइन्टी थ्री टू हंड्रेड है तो उसी के अकॉर्डिंग बट यहाँ पर सैलरी जो है मेंस की क्वाइट ज्यादा रहती है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे विमेन की सैलरी जो एवरेज बताई गई है वो फोर्टी टू थाउजेंड यूरोज के आसपास बताई है पर ईयर में सैलरीज है गाइल्स और एवरेज सैलरीज है और मेंस की फिफ्टी टू थाउजेंड के आसपास तो मैलरी ज्यादा मिलती है वहीं हम एडुकेशन की कंपेरिजन करें बहुत ही अच्छा कंपैरिजन मुझे ये लगा जैसे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि अगर हम बैचलर डिग्री कर ले तो उसके बाद हमारी सैलरी क्या हो सकती है या मास्टर डिग्री करें या पी एच डी करें डॉक्टोरेट डिग्री तो तो देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है मुझे बैचलर डिग्री करते तो आपकी एवरेज फिफ्टी के आसपास आएगी और अगर मास्टर्स डिग्री करते तो आपकी जो एवरेज सैलरी है वो 53000 के आसपास आती है एंड अगर आप डॉक्टरेट डिग्री के बाद जॉब करते हैं तो आपकी 55000 एवरेज लगती है तो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है 2 3 2 से लेके 3000 यूरोस का ही डिफरेंस इसमें दिखने को मिल रहा है तो यही एक डिफरेंशिएशन जो काफी अच्छा था अब हम सैलरी बाय एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो गाइस अगर आप फ्रेशर है जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रेशर ही रहते हैं यहां पर तो अगर आपका एक्सपीरियंस जीरो टू वन ईयर का है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी ग्रॉस एवरेज सैलरी होगी ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड यूरो के आसपास जो कि काफी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की यहां पर होती है उसके बाद अगर आपके पास वन या टू ईयर के एक्सपीरियंस है तो देखिए आपकी सैलरी कैसे आगे जा रही है तो सैलरी बढ़ते जाएगी जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा तो ये सीन तो इंडिया में भी रहता है कि अगर आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है तो आपको प्रायोरिटी मिलती है और सैलरी ज्यादा मिलती है अब नेक्स्ट अगर आपके पास नियरली ट्वेंटी ईयर्स का एक्सपीरियंस हो तो आप सेवेंटी टू एटी लैक्स पर ईयर कमा सकते हैं और ऐसे ही करोड़पति बन सकते हैं ऑल राइट सो नाउ वी लुक ऑन अनदर कैटेगरी दैट इज सैलरी बाय एज तो सैलरी बाय एज में तो देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट होते हैं वो नियरली ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी सिक्स के मिडिल में रहते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर सैलरी की आपके ग्रेजुएशन के बाद आप ट्वेंटी नाइन थाउजेंड यूरो अर्न कर सकते हैं अगर एज का क्राइटेरिया देखें तो जैसी आपकी एज इंक्रीज होती जाएगी आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होती जाएगी क्यों क्योंकि जैसे ही आपकी एज इंक्रीज होगी तो ऑफकोर्स आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा फील्ड्स में तो उसी के कारण यहाँ पर ये इन्होंने जो एवरेज सैलरी का स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है वो इस तरीके से है और ज़्यादा हो जाएगी जब आप 60 से अबव चले जाएंगे तो फिर डिक्लाइन होने भी लग जाएगी क्योंकि जब तक आपकी कैपेबिलिटी होगी वर्क करने की तब तक ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको सैलरी देगी अब ये फील्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कोर्सेस पूछते हैं और पूछते कि इस फील्ड का स्कोप है या नहीं तो आप इसके जो फर्स्ट ट्वेंटी फील्ड्स हैं उनको जरूर चेक कर सकते हैं और उनसे एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ अगर मैं ये कोर्स करने आऊँगा तो कहीं ना कहीं मेरे चांसेस है जॉब मिलने के तो चलिए इन्हीं के बारे में देखते हैं तो मैनेजमेंट एंड बिजनेस में गाइज टॉप कर रहा है तो अगर आप यहाँ पर बिजनेस कोर्सेज करते हैं मैनेजमेंट कोर्सेज करते हैं तो उनमें आपकी सैलरी काफी हाई हो सकती है जैसे कि देख पा रहे एटी थाउजेंड यूरोज तो ये एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है फिर उसके बाद हेल्थ केयर आते हैं आपके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आते हैं देन फाइनेंस एंड बैंकिंग इलेक्ट इंजीनियर्स टेक्नीशियंस एंड बहुत सारी फील्ड्स तो फर्स्ट ट्वेंटी को आप देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन बना सकते हैं तो अगर आई और टेली के फील्ड वाले जो है स्टूडेंट्स उन्हें फोर्टी फोर की सैलरी मिल सकती है वहीं अगर हम और आगे चलते हैं सैलरी बा करियर आप किस करियर किस फील्ड में करियर देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग सैलरी बताई गई है तो सारी मोस्ट ऑफ दी जो अपर क्लास की फील्ड uh, से करियर हैं उनमें आप देख सकते हैं कि जो है बिजनेस रिलेटेड फील्ड है मैनेजमेंट से रिलेटेड फील्ड है उसके बाद आई मैनेजर और ये प्रोजेक्ट मैनेजर वाली फील्ड्स है तो इससे भी आप एक कैलकुलेटिव डिसीजन निकाल सकते हैं तो ये रही उनकी बात अब सैलरी बाय जॉब टाइप यहां पर गाइज एक तो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट होता है परमानेंट uh, एम्प्लॉय होता है कॉन्ट्रेक्टेड एम्प्लॉय होता है सेल्फ एम्प्लॉयड होता है और पार्ट टाइम होते हैं तो परमानेंट में गाइज जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्कूल के टीचर्स ये परमानेंट में रहते हैं तो इनकी सैलरी काफी हाई होती है अब हम कॉन्ट्रैक्ट फॉरेनर्स यहाँ पर यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब करते थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते थर्टी फाइव थाउजेंड यूरोज़ के आसपास और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो फोर्टी सिक्स थाउजेंड और पार्ट टाइम कर रहे तो कम रहती है उस केस में और तो अब बात कर लेते हैं कौन सी सिटी में ज्यादातर जॉब्स है तो सिटी के लिए मैं ये वाला ग्राफ को नहीं ओपन करने वाला हूं मैं सिटी के लिए आपको ये फर्स्ट वाला जो ग्राफ है वो शो करने वाला हूं एज एज फार एक्सपीरियंस इज कंसर्न तो ये बहुत सही चीज हूँ मिलान में आपको बहुत ज्यादा सैलरी मिल सकती है बट वहां के लिविंग एक्सपेंसिस भी वैसे ही है तो मिलान रोम ट्यूरिन बोलोनिया फ्लोरेंस वेनिस और वेरोना एंड पडुआ जैसी सिटीज में आपको जॉब्स मिलने के जो चांसेस रहते हैं वो ज्यादा रहता है और यहां पर जो आपकी सैलरीज रहेगी वो भी ज़्यादा रहती है तो ये कुछ कंपैरिजन था और ये बहुत ही सही स्टैटिस्टिक्स लगा मुझे इस वेबसाइट का तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए तो यहाँ पर सिटी वाइज इन्होंने एवरेज सैलरीज भी बताई है तो देख लीजिएगा आपकी यूनिवर्सिटी कौन से रीजन में आती कौन सी सिटी में आती तो उसके अकॉर्डिंग आप भी एक आ, डिसीजन बना सकते हैं तो सो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वेबसाइट की तो अब आपको देखना है डिसाइड करना है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आज के लिए इतना ही गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा थैंक यू सो मच सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज़